हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल विंडोज सर्वर 2019 विद रेड कॉन्फ़िगरेशन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग एक बात बताता चलूं कि आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट होने वाली है, क्योंकि मैं जो वर्चुअल मशीन वगैरह कुछ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फिजिकल सर्वर पे आप लोगों को सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक सर्वर है जो कि मुझे अपग्रेड करना है। मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये विंडोज सर्वर 2016 है जो मैं अभी अपग्रेड करके 2019 करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सर्वर की सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये आई है हमें कि इसकी जो डी ड्राइव है वो फुल होने वाली है और हमें मजीद इसमें और चीज़ें रन करनी है अभी, और हमें VMs बनानी है। ये पहले की मशीन तैयार हुई हुई है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी रन हो रही हैं, तो उन सब का मैंने बैकअप ले लिया। बैकअप लेने का सही सिंपल तरीका ये था कि जो भी Hyper-V में मशीनें चल रही थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 5-6 मशीनें हैं जो ऑलरेडी रन थी, उन सबको मैंने ऑफ कर दिया, उनका बैकअप ले लिया है। बैकअप लेके मैंने एक अलग से पासपोर्ट ड्राइव रखी थी, उसके अंदर मैंने इनके बैकअप्स ले लिए सारे। ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपको बताते चलूँ, डिस्क मैनेजर मैंने पहले से ओपन किया हुआ था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक डिस्क आ रही है, डिस्क 0, और एक आ रही है डिस्क 1। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से कॉन्फ़िगर्ड हुई नहीं थी। एक के अंदर OS रन हो रहा है, बाकी के अंदर हमारी VMs हैं और मजीद चीज़ें रन हो रही थी उससे। एक मैंने पासपोर्ट ड्राइव लगाई है 4 TB की, जिसके अंदर मैंने सारा बैकअप लगाया, जो कि आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया सर्वर। अब मैं आपको मेन फिजिकल सर्वर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ताकि आप लोग सही से समझ सकें कि मैं किस तरह से रेड को डिलीट करूँगा, दूसरे रेड किस तरह से डिज़ाइन करता हूँ। आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलने वाला है, तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को एंड तक देखें। अच्छा जी, तो सर्वर को शट डाउन करते हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ सर्वर की स्क्रीन पे। अच्छा, थोड़ी सी शायद आवाज़ों का इशू हो, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम फिज़िकल सर्वर पे जाते हैं तो थोड़ी सी फैंस वगैरह की आवाज़ आती है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। सबसे पहले सर्वर को शट डाउन करेंगे। शट डाउन होना शुरू हो चुका है सर्वर, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा जी, फिज़िकल सर्वर पे हम आ चुके हैं। अब हम जो हैं सबसे पहले इसके रेट को डिलीट करके दोबारा से बनाएंगे। तो मैं सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क हैं वो 2.4 TB की लगी हुई है 8। तो मैंने ये सोचा है कि मैं इन दो का एक रेट बनाऊंगा जो मिररिंग का होगा, जो बाकी रह जाएंगी 6 इनका रेट बनाऊंगा 10। तो अच्छा जी, आप लोग एक बात बताता चलूँ, जो लोग इन IT फील्ड में हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो इंटरफेस आ रहा है, ये आ रहा है बेसिकली BIOS मोड का। जब आप UEFI मोड पर होते हैं तो इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब मुझे असल में इसकी आदत है और ये सर्वर भी इसी तरह से हुआ हुआ, तो मैं तो इसी इंटरफेस के थ्रू इस पर काम कर रहा हूँ। ये हम रेट की कॉन्फ़िगरेशन में आ गए हैं, तो मुझे सबसे पहले इन सारे रेट्स, ये रेट 10 बने हुए हैं, आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है रेट 10। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्लिक किया F2 और ये मेरे पास एक पॉपअप ओपन हो गया। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा डिलीट दिस ग्रुप पर। जैसे ही मैं करूँगा ये पूछेगा सेलेक्ट दिस ऑप्शन, डिलीट ऑल द वर्चुअल डिस्क विद इन दिस डिस्क ग्रुप। तो मैं इसको करूँगा येस जी। अब आप देख सकते हैं मेरे पास जितनी भी हार्ड डिस्क हैं 8 हैं टोटल। ठीक है, और 1.818 TB आ रहा लिखा हुआ। ठीक है, ये इनका साइज है। अब मैं बनाऊँगा मिररिंग। मिररिंग किस कॉन्सेप्ट पर बनती है? रेड 1 में बनती है मिररिंग। मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई भी, आप देख सकते हैं। मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 हार्ड डिस्क यूज़ करूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RAID 1। ओके करेंगे इसको, ओके। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फिजिकल आ गए। अच्छा, इसको चेक करने का तरीका ये कि हार्ड डिस्क को सेलेक्ट किया हुआ है, F2 प्रेस करते हैं, LED ब्लिंकिंग का ऑप्शन होता है, स्टार्ट कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें दोनों हार्ड डिस्क जो हैं वो ब्लिंक हो रही हैं, इट्स मीन कि इनका रेट बना है मिररिंग का। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। अब मुझे जो रिमेनिंग हार्ड डिस्क जो मेरी बची हैं इनका मैंने बनाना है रेट 10। एक मिनट, थोड़ा फोकस हो जाए। अच्छा, ये जो रिमेनिंग हार्ड डिस्क बनी है इन सबको मैंने बनाना है रेट 10। दोबारा से मैं फर्स्ट ऑप्शन पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा क्रिएट अ न्यू VD, यहाँ पर रेट चेंज करके रेट 10 करूंगा, और यहाँ पर सारी हार्ड डिस्कों को सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पर मैंने लिख दिया रेट 10 लिख दिया मैंने, ओके करूंगा, फिर से ओके करूंगा।
ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है 6 डिस्क इधर आ गई हैं और 2 डिस्क इधर आ गई। टोटल मेरे पास 8 डिस्क लगी हुई थी जो कि मैंने यूटिलाइज कर ली हैं। स्केप करूंगा इसको, ओके करूंगा, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करके रीबूट करूंगा। अच्छा जी, सर्वर जो है वो जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो काफ़ी दफ़ा रीस्टार्ट करना भी पड़ता है और कुछ दफ़ा जो है वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी होती है, कुछ दफ़ा हमें ही करना पड़ता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग समझ सकें कि किस तरह से हम एक फिज़िकल सर्वर को रेट डिलीट करके और किस तरह से उसको रिकॉन्फिगर करते हैं सब चीज़ों को। अब मैं F2 दबाऊँगा, सिस्टम सेटअप में जाऊँगा। अच्छा जी, सबसे पहला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है सिस्टम बायोस, तो मैं सिस्टम बायोस में एंटर करता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ बूट सेटिंग्स में। बूट सेटिंग में आपके पास आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आ रहे हैं, बायोस और UEFI। तो मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, मैं इसको UEFI बूट कर रहा हूँ। फिनिश करेंगे, यस करेंगे, इसको सेव हो गई। आपने जो भी चेंज किया वो सेव हो चुका है, इसको भी फिनिश करेंगे। सर्वर एक दफा से दोबारा रीबूट होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि विंडोज सर्वर 2019 लिखा हुआ। तो सबसे पहले जो है वो आप नेक्स्ट करेंगे। अब आपको थोड़ा सा माउस को देखना पड़ेगा, कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, ये तो बहुत बेसिक सी इंस्टॉलेशन है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगी, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो 2 ड्राइव्स आ रही हैं, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, तो मैं इसी पे जाने दूंगा। देख सकते हैं आप, मेरे पास 2 ड्राइव्स आ रही हैं, एक आ रही है डिस्क 0, एक आ रही है डिस्क 1। दोनों जो हैं अभी देख सकते हैं आप इस मोड में कि मैंने कोई भी पार्टीशन वगैरह कुछ नहीं बनाया। तो मैं जो है वो ये वाला पार्टीशन सेलेक्ट करता हूँ OS के लिए, तो मैं इसी पे करते हुए नेक्स्ट कर दूंगा और इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं कि शुरू हो गई है। अच्छा जी, OS की इंस्टॉलेशन की मैंने और बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं इस स्टेप को स्किप कर देता हूँ। अच्छा जी, सर्वर 2019 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये मैंने आप लोगों के लिए खोल के रखा है। मैंने सर्वर 2019 इंस्टॉल किया, डेटा सेंटर वो आ चुका है मेरे पास। और अब मैं आपको डिस्क मैनेजर दिखा देता हूँ। डिस्क मैनेजर के अंदर देखें आप, थोड़ी सी तब्दीली कर दी है। पहले आप लोग देख सकते थे कि हमारे पास जो है वो सेम साइज़ की डिस्क आ रही थी, अब डिस्क 0 जो है वो हो गई है तकरीबन 2 TB की, और ये जो है तकरीबन 5.5 TB के करीब हो चुका है। तो ये इस डिस्क को करेंगे ओके, और यहाँ पे क्लिक करके इसको करेंगे न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ताकि हमारा जो है वो एक ही वॉल्यूम बन जाए। ठीक है जी, ये बन चुका है, अब आप देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें, अब हुआ ये है कि मेरी जो सी ड्राइव है उसमें OS है, एफ ड्राइव जो है बेसिकली जो डी ड्राइव होती हैं जिसमें हम डेटा वगैरह रखते हैं, ये वो ड्राइव है, मगर पार्टीशन ना होने की पार्टीशन लेटर चेंज हो गए। मैं इसको वापस रीचेंज कर देता हूँ। उसको किस तरह से करते हैं, यहाँ राइट क्लिक किया है मैंने, इधर ये आ रहा है चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ, यहाँ पर जाएंगे, चेंज पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसको कोई भी दे दें, फिलहाल एच दे दें, ओके करेंगे, इसको येस करेंगे, ये एच हो गया। जब एच हो गया तो लाजमी से बात है डी मेरे पास जो है वो खाली हो चुका है। मैं दोबारा से राइट क्लिक कर चुका हूँ, मैंने दोबारा से राइट क्लिक किया और सेलेक्ट किया है चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ, और दोबारा से चेंज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें अब डी आ चुका होगा। ठीक है, डी आ गया, ओके कर लिया, इसको येस करेंगे इस एरर को, येस करेंगे इस वार्निंग मैसेज को, और अब आप देख सकते हैं कि जो न्यू वॉल्यूम है वो हो गया डी। ठीक है, अच्छा जी, इसको वापस कर देते हैं दोबारा से, अब इसको भी सीक्वेंस बना लेते हैं। सीक्वेंस जो है वो अच्छी लगती है, ABCD, हमारा जो है वो चल रहा था CDE, कर लेते हैं इसको
F आ रहा है, E जो है वो लाजमी सी बात है, इसने E किसी को उठाया हुआ होगा। एक मिनट रुके, मैं देखूँ जरा E ड्राइव कौन सी ली हुई है इसने। अच्छा जी, E ड्राइव इसने ये ली हुई है, तो मैं इसको फिर F कर देता हूँ। ठीक है जी, E ड्राइव ऑलरेडी जो है वो इंगेज आ रहा है, लेटर E इंगेज हुआ हुआ है CD ROM में। ठीक है, ये हो गया F। अच्छा जी, अब मैं आपको जरा एक और चीज़ दिखा दूँ। अब आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे साइज कुछ और था जो कि अराउंड 2 TB के करीब था, यहाँ भी 2 TB के करीब था। अब थोड़ा सा चेंज हो गया, ये बेसिकली मिररिंग का काम करेगा। रेट जो मैंने बनाया था, ये रेट 1 है और ये रेट 10 है। ठीक है, तो मेरे पास थोड़ी ज़्यादा जगह हो गई है, मेरे लिए आसानी रही। अब सबसे पहले मैं अपनी VMs को वापस ट्रांसफ़र करूँगा डी ड्राइव में और फिर हाइपर वी पे उसको रन करूँगा। अच्छा, हाइपर वी का टूल रन करने का तरीका भी मैंने बहुत दफ़ा से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। मैं ज़रा इस स्टेप को स्किप कर देता हूँ, एड रूल एंड फीचर्स में जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। ये आ रहा हाइपर वी, ये क्लिक कर लें, ओके, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं बस। अच्छा जी, ये पूछा है कौन कौन सी स्लॉट का लगाना है, तो अब आपने फ़िलहाल जो है अभी फिर इसी स्लॉट को ले लें आप। जो जो NIC कार्ड है आपके पास या ईथरनेट जो भी आ रहा होता है वो, तो मेरे पास जो है बेसिकली SFP पोर्ट लगी हुई, तो उसमें स्लॉट 3 पोर्ट नंबर 1 आ रहा है, तो मैं उसको सेलेक्ट कर चुका हूँ। नेक्स्ट करूँगा इसको, इस स्टेप को भी नेक्स्ट करेंगे हम। अच्छा जी, ये पूछ रहा है कि जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वर्चुअल डिस्क की फ़ाइल की, वो कहाँ पे जाने और जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है वो कहाँ। तो मैं हमेशा से, मेरी प्रैक्टिस है, मैं डी में ही रखता हूँ सारा डेटा, तो मैं जिस PC में जाऊँगा और सेलेक्ट कर लूँगा अपना डी ड्राइव को। डी ड्राइव के अंदर मैं मेगा फोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपर वी मशीन्स। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक मशीन्स नहीं है, मेरे पास काफ़ी 4-5 मशीन है जो मुझे रन करनी है। ठीक है, ये ओके कर दिया मैंने। ये पाथ आप देख सकते हैं कि सेट हो गया होगा, एक मिनट में सेट नहीं हुआ, मैं सेट कर देता हूँ ज़रा। ये सेट हो गया, ये आप देख सकते हैं डी में हाइपर वी मशीन्स के नाम का फोल्डर आ गया। अच्छा जी, दोबारा डी में जाते हैं, हाइपर वी मशीन के अंदर मैं एक कॉन्फ़िगरेशन हाइपर वी के नाम से एक फोल्डर बना देता हूँ ताकि मुझे मसला ना हो। अच्छा जी, चाहें तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ जाएं आप जल्दी से अगर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ही बना सकते हैं जाके। कॉन्फ़िगरेशन फाइल पूरा लिख लें अगर आपको लिखना है। ठीक, अच्छा जी, दोबारा आ जाते हैं हम यहाँ पे, इस स्क्रीन पे आ जाएं दोबारा से। यहाँ पे आप जाएंगे दिस PC में, दिस PC से डी में जाएंगे, डी में जाके आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं डी का एक फोल्डर आ रहा है हाइपर वी मशीन का, जो बेसिकली जो भी इनकी हार्ड डिस्क वगैरह जितनी भी होगी मैं यहीं रख के चलाऊँगा, और ये आ रहा है जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी। नेक्स्ट करूँगा इसको, रीस्टार्ट पे चेक लगा देते हैं एहतियातन, अगर मशीन की ज़रूरत है, कोई रिक्वायरमेंट है इस तरह की कि कोई अपडेट होना है तो उसको रीस्टार्ट हो जाए। इंस्टॉल कर देते हैं, आप देख सकते हैं फीचर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। बहुत फिज़िकल सर्वर जो होता है, लाजमी सी बात है, एक वर्चुअल मशीन पे मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाता था, एक फिज़िकल सर्वर में बहुत फ़र्क होता है। ये मशीन बहुत तेज़ होती है बनस्बत एक VM के, तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, इसीलिए मैंने आज की पूरी वीडियो जो बनाई है वो इसी वजह से बनाई है कि आप लोगों को समझ आ सके कि किस तरह से सर्वर को अपग्रेड किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपर वी लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंस्टॉलेशन सक्सीडेड। इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास पॉपअप आ रहा होता है कि जो भी चीज़ आपने इंस्टॉल की है वो नोटिफिकेशन बेसिकली यहाँ आता है इसका, तो इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ से आप हाइपर वी भी एक दफ़ा रन करके देख लें। अच्छा जी, ये आ रहा हाइपर वी मैनेजर। मैं किस में गया हूँ, आपको दोबारा स्टार्ट में जाएंगे, विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे देखें आप आ रहा होगा हाइपर वी मैनेजर। ठीक है, ये भी यहाँ पे आ जाएगा, मैं फिर इसको पिन कर दूँगा ताकि मुझे बाद में इन फ्यूचर आसानी रहे इसके लिए। मैं देखें जी, हाइपर वी जो है बिल्कुल ऑन हो चुका है और बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब मेरे पास जो टास्क है वो ये है कि मैं जो अपनी पासपोर्ट ड्राइव जो मैंने अलग से लगाई थी, जिनमें VM के बैकअप्स हैं, वहाँ से VM को कॉपी करूँगा, फिज़िकल सर्वर में दोबारा ट्रांसफ़र करूँगा और फिर इनको हाइपर वी पे रन करूँगा। इसमें लास्ट में सी बात है, मुझे टाइम लगेगा क्योंकि 700-800
GB की एक VM है, तो काफ़ी सारी VMs हैं, 4-5 VM है मेरे पास ऑलरेडी चल रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू में वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह से रेट की कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।